बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं दरार दमखेल आया था किसी काम से, तो आज मैंने कहा चलो आपको भी साथ साथ दरार दमखेल की सैर कराई जाए। और दरार दमखेल में सैर के लिए कोई पार्क तो है नहीं, यहाँ तो जैसे अमनीशन बनाया जाता है, वेपन्स बनाए जाते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले एक अमनीशन जहाँ बनाया जा रहा है, जो गोलियाँ जहाँ पे बनाई जा रही हैं मुख्तलिफ, आज वो देखते हैं जी वो किस तरीके से वो गोली बनाई जाती है। ये देखिए, ये सबसे पहले आपके सामने ये खाली खोल पड़े हुए हैं, ये 44 बोर 44 बोर के खोल हैं जी ये, और इसमें अभी कुछ भी नहीं है, ये पीछे से भी इसका पटाखा भी नहीं है और ये सिक्का भी नहीं है, ना इसके अंदर बारूद है। और ये आप देख रहे हैं ये बारूद है, ये मुख्तलिफ। और इसी तरीके से ये यहाँ पे, ये अगर मैं आपको दिखा सकूँ जी, ये क्लेशनकोफ के खाली खोल हैं ये, और ये मुख्तलिफ इसमें हैं जी। अब आपको ये देखिए, ये हाँ ये 44 बोर है जी। और आगे चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाते हैं ये 7 mm के खाली खोल हैं और इसके अंदर पटाखा लगा हुआ है। अब हम ये भी देखेंगे कि पटाखा लगाया कैसे जाता है, ये भी देखते हैं अगर कोई खाली खोल मिल जाए। और ये देखिए, ये आपको ये मुख्तलिफ पटाखे जो है ये पड़े हुए हैं, ये देखिए आपको मैं दिखा रहा हूँ जी, ये देखिए ये पटाखे हैं। अब ये देखिए, ये एक 7 mm राइफ़ल में जो बारूद है उसका ये बारूद है, ये ब्लैक कलर का ये बारीक बारूद है जी। ये आपको ये देखिए, अब अल्लाह खैर करे खाली बारूद मैंने अपनी उंगलियों पे लगा लिया है, देखते हैं जी क्या होता है। अब ये देखिए, ये भाई बना रहे हैं, ये हम सबसे पहले ये देखते हैं जी, ये देखिए, ये ओरिजिनल के क्या गोली है जिसका पटाखा निकाला जा रहा है, जो मिस फायर शुदा है, इसको दोबारा रीफिल करेंगे। तो ये कैसे करेंगे ये भी देखते हैं जी। इसी तरीके से ये देखिए, ये एक शॉपिंग बैग और मेरे पास बड़ा पड़ा है, ये इसमें देखते हैं जी क्या है। ये 222 की गोली तैयार होनी है जी, ये उसके खोल हैं, अभी इसके अंदर बारूद भी नहीं भरा हुआ और ना इसके अंदर पटाखा भी नहीं लगा हुआ और ना सिक्का लगा हुआ है, अभी ये खाली पड़ा है। अब हम देखते हैं कि ये बारूद कैसे, गोली के अंदर बारूद कैसे डालते और इसके अंदर सिक्का कैसे लगाया जा रहा है। तो ये एक गोली में बारूद ये इन्होंने भर के रखी हुई हैं, लेकिन अभी ये देखिए, ये सिक्का लगा रहे हैं 7 mm राइफ़ल पे, ये सिक्का लगाया और इन्होंने ये देखिए ये साथ में इन्होंने, अब ये बारूद एक किस तरह ये करेंगे भाई, ये देखिए ये गोली है और ये इन्होंने यहाँ रख दी ये बारूद। ये इनका अपना ही पैमाना है कि ये कितना डालना है, ये अपना दरादम खेल के कारीगरों की इजाद है कि किस तरीके से इसमें डालना है, इसमें कोई औजान नहीं है, कोई वज़न नहीं है, कि ये इनका अपना तरीका है और इनका अपना तजर्बा है। और ये जो पिछले पाकिस्तान में, बल्कि पाकिस्तान बनने से पहले का ये काम यहाँ पे हो रहा है, और ये और बहुत अच्छा काम हो रहा है
एशिया के अंदर सबसे बड़ा जो वेपन का जो बाज़ार है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, वो दरादम खेली है। अब इन्होंने इसमें बारूद लगा दिया जी। अब इसके अंदर वो सिक्का अब उठाएंगे, ये देखिए ये सिक्के पड़े हुए हैं, और ये मैं आपको ये देखिए ये इन्होंने ये देखिए कंप्लीट हो गई है गोली। ये मैं आपको दिखा देता हूँ जी, ये इन्होंने गोली ये इसमें ये देखिए प्राइमर जिसे कहते हैं, पटाखा आम लोग उर्फ़ आम में सिक्का आ जाता है ये, और सिक्का लग गया, बारूद इसमें आ गया, और ये गोली अभी तैयार हो गई, गोली फायर के लिए तैयार है, सही चलेगा, सही काम करेगा, जिंदाबाद। तो आपका नाम क्या है जी? बख्त मुनीर भाई हैं ये। ये दरादम खेल में ये अमनिशन बना रहे हैं। एक ये भाई हैं, ये देखिए इन्होंने टोकरी उठाई हुई है, और ये देखिए इन्होंने भी ये 222 के हैं। तो भाई आपका क्या नाम है भाई? अताउल्ला। ये देखिए अताउल्ला भाई मुस्करा भी रहे हैं, साथ अमनिशन बना रहे हैं और साथ मुस्करा रहे हैं। तो ये अपनी मुस्कराहट से मुझे और आपको वेलकम कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच अताउल्ला, बख्त मुनीर, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। जो नए दोस्त आ रहे हैं उनसे दरख्वास्त है वो सब्सक्राइब कर लें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।